जमशेदपुर के कदमाबाल तरुण संघ के द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का महाआयोजन किया जा रहा है। 19 सितंबर से इस आयोजन की शुरुआत होगी, जो लगातार 26 दिसंबर तक चलेगी। पूरा आयोजन कदमा तरुण संघ प्रांगण में आयोजित होगा, जहां उत्तर प्रदेश के बनारस के कथावाचक पंडित सुनील पांडे शास्त्री पहुंचकर भागवत कथा का वाचन करेंगे। 19 दिसंबर को कलश यात्रा से इसकी शुरुआत होगी, जिसके बाद लगातार पूजन एवं भागवत कथा का वाचन यहां होगा। वैसे कोरोना काल के बाद ये पहली बार इतने बड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ का प्रारंभ 19 दिसंबर से कलश यात्रा के रूप से शुरू होगा, जिसमें भव्य कलश यात्रा की तैयारी की गई है। लगभग 3000 महिलाएं भाग लेगी उसमें, और जो महिलाएं भाग लेगी उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन पूर्व से ही प्रारंभ है। यहाँ रजिस्ट्रेशन काफ़ी लोगों का हो गया है, और उनका जो भी साड़ी गमछा कलश का वितरण 16 तारीख को हम लोग इसी प्रांगण से करेंगे। उसके बाद उसी दिन से हम लोग का कथा और शाम में संगीतमय कथा प्रारंभ होगी, जो कि बनारस से चल के आ रहे हैं हम लोग का शास्त्री जी सुनील पांडे जी, उनका 17 सदस्यीय टीम है, और वो लगातार 6-7 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। पर डे हवन का कार्यक्रम है, और प्रसाद वितरण शाम में होगा, और 26 तारीख को हम लोग का महाभंडारा है। जमशेदपुर से न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।